नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा गरमाते जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान एक वरिष्ठ पत्रकार के सवाल पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने उन्हें कांग्रेसी करार दिया था, जिस पर कक्ष में मौजूद सभी पत्रकारों ने प्रेस वार्ता का सामूहिक बहिष्कार कर दिया। आपकी जिम्मेदारी कितनी बनती है? मेरी पूरी जिम्मेदारी है जी। तो आप पद पर क्यों बने हुए? नहीं, पद पर बनने का निर्णय आप करेंगे क्या? मेरी पार्टी तय करेगी, ये आप नहीं कर सकते। ये सवाल, इस तरह के सवाल करने का मतलब नहीं है जी। आप कोई कांग्रेस के लोग हैं क्या भाई? आप कोई कांग्रेस के लोग हैं क्या भाई? भाई पद पे बने निर्णय, पद पे बने का निर्णय नहीं है। नहीं नहीं ऐसा भाई, ये सवाल ठीक है? आप सवाल ठीक मानते हैं? आप सवाल ठीक मानते हैं? एक बार सुनिए, आप सुन लीजिए मेरा क्या कहना है। आप कौशिक जी, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, आप इतने हैं, ठीक है, मान ली भाई, मान ली बात आपकी, ये बात मान ली। अरे मैंने बात मान ली, मैं वो अपनी बात, मैंने आपकी बात मान ली, मान ली भाई, कोई कांग्रेसी नहीं है, सब पत्रकार है। इस मामले पर जोगी कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी है। जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानु नायक ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया को अपने हर सवाल पूछने का हक है। ये राजनेताओं द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए कि कौन से सवाल पूछे जाएं और कौन से नहीं। देखिए, मैं इस घटना की मैं निंदा करता हूं। अमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि विगत 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है और एकाएक इतनी बड़ी हार हुई तो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता बुरी तरह इससे बौखला गए हैं। और लगातार हम मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, बहुत सारे विरोधाभास नेताओं के बयान में रहता है भारतीय जनता पार्टी के, और इनके अध्यक्ष महोदय तो कार्यकर्ताओं पर ही आरोप मढ़ दिया था कि हम इनके कारण हारे हैं। तो इस पर भी बहुत सारी बातें हुई है। मैं निंदा करता हूँ इसी घटना की। लोकतंत्र है और मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मीडिया हमारे समाज का दर्पण है, हमारी आवाज़ को, जन भावनाओं को लोगों तक पहुँचाता है, हमें बिल्कुल सम्मान करना चाहिए और जैन जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार इस बार पत्रकार सुरक्षा कानून लाने पर उनका विचार हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्दी आएगा, आपको लगता है कांग्रेस इस घोषणा पर नहीं करेगी? देखिए, अगर उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है तो बिल्कुल उसको पूरी करनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ ऐसे किसी कानून का, अगर, क्योंकि हमारे जो पत्रकार साथी अपने जान की बाजी लगा करके नक्सल क्षेत्रों में जाते हैं, आतंकवादी क्षेत्रों में जाते हैं, बहुत सारी स्टोरी को कवर करते हैं, जो समाज के अंदर जो चल रहा है उसको टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं, तो ऐसे कानून बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए। और ये जनकल्याणकारी योजना, ये पत्रकारों के हित में, मैं स्वागत करता हूँ और मैं निवेदन करूँगा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू करें। देखिए, लोकतंत्र में ऐसी चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से स्थान नहीं है। आपने एक सवाल किया कि कौन तय करेगा कि सवाल पूछने का, तो मीडिया को पूरा अधिकार है और कहीं ना कहीं एक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत बातें उनसे पूछी गई थी। भाई राजनीतिक सवाल था, अगर ऐसा सवाल पूछा गया उसका जवाब देना चाहिए था, उल्टा अपमान करना या काउंटर क्वेश्चन करना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नारायण नारायण।